जो 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, उसको मद्देनजर रखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। 23 पार्टियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने लिखा है, निमंत्रण दिया है कि श्रीनगर आइए 30 तारीख को और हम बैठेंगे। ये अंतिम कार्यक्रम होगा भारत जोड़ो यात्रा का। और आप जानते हैं 30 जनवरी शहादत दिवस है महात्मा जी का, गांधी जी का। फारूक अब्दुल्ला को विशेष निमंत्रण दिया गया है, महबूबा जी को भी निमंत्रण दिया गया है। तो 24 घंटे के लिए संतोख सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर को नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगा। कल दोपहर को खालसा कॉलेज ग्राउंड जालंधर से फिर से हम शुरू करेंगे। तो 24 घंटे के लिए संतोख सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है। राहुल जी कल पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे, वो भी कल नहीं होगा। 17 तारीख को 1 बजे होशियारपुर में राहुल जी पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी आपको मैं भेज दूंगा आज शाम तक, पर कल नहीं होगा पत्रकार सम्मेलन। ये सब संतोख सिंह चौधरी के अचानक देहांत की वजह से प्रोग्राम हमने बदला है, उनके सम्मान में हमने बदला है। और पत्रकार सम्मेलन जालंधर में नहीं होगा पर होशियारपुर में होगा। हमें ये सलाह दी गई थी कि शुरुआत 7 बजे होनी चाहिए और शाम को 5:45 तक हमें इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के कई ऐसे कारण हैं। तो सिक्योरिटी के नज़रिए से ये हमें सलाह दी गई थी और हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं होगा। आज भी हमने 7 बजे को शुरू किया था भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि हम हमेशा 6 बजे शुरू करते हैं, पहली बार हम 7 बजे शुरू कर रहे हैं और हमेशा हम 6:30 पौने 7 तक चलते हैं जहाँ नुक्कड़ सभा होती है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 5:45 तक भी इसको ख़त्म करें। मैं नहीं समझता हूँ इसका जो युवाएं आते, जो संगठन के कार्यकर्ता आते हैं, जो युवा आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनके उत्साह पर इनका कोई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन संगठन कर रहा है। और जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, भारी मात्रा में लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं पंजाब में। बार बार कहा है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, पर राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको आगे ले चलने के लिए कांग्रेस संगठन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। इस हाथ से हाथ जोड़ा अभियान के माध्यम से कांग्रेस संगठन हर एक राज्य में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर करेगा। ये कभी नहीं हुआ है, इस भारी मात्रा में कभी अभियान नहीं किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना, 6 लाख गांव तक पहुंचना और 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचना। भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर घर घर जाना और हर एक घर में राहुल जी की ओर से जो खत मैंने कल रिलीज़ किया है अलग भाषाओं में, वो दिया जाएगा हर एक घर में। और हर एक घर में मोदी सरकार की विफलताएं जो हैं, उनके खिलाफ जो चार्जशीट हमने तैयार की है, जो उनके झूठे वादे हैं जो उन्होंने कहा और जो नहीं किया, उसकी भी एक दस्तावेज हम हर घर तक पहुंचाएंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान त्रिस्तरीय अभियान है। एक ब्लॉक के स्तर पर होगा जहां यात्राएं निकाली जाएंगी, क्योंकि यात्रा निकालना पड़ेगा हर एक घर को जाने के लिए, वो तो यात्रा के माध्यम से ही कर पाएंगे। जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर महिला यात्राएं होंगी। खास तौर से, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हम क्या करने वाले हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सीधा चुनाव से संबंधित है। भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से सीधा संबंध नहीं रखता है। ये विचारधारा की मुकाबला भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, उसको मद्देनजर रखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। 23 पार्टियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने लिखा है, निमंत्रण दिया है कि श्रीनगर आइए 30 तारीख को और हम बैठेंगे। ये अंतिम कार्यक्रम होगा भारत जोड़ो यात्रा का। और आप जानते हैं 30 जनवरी शहादत दिवस है महात्मा जी का, गांधी जी का। और ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से उनके लिए समर्पित है। तो इसलिए 30 जनवरी को श्रीनगर, खास तौर से श्रीनगर में हमने ये बैठक बुलाई है। खरगे जी ने 23 पार्टी को, मैं फिर से दोहराऊंगा, 12:30 बजे 14 तारीख तक 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया है। जो पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं, जो बीजेपी के बी टीम या सी टीम या डी टीम नहीं है, उनको निमंत्रण दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुछ पार्टियों को निमंत्रण नहीं जाएगा। अकाली दल को नहीं जाएगा, अन्ना डीएमके को नहीं जाएगा, बीजेडी को नहीं जाएगा, ओवैसी को नहीं जाएगा, अजमल को नहीं जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया किन को नहीं जाएगा। फारूक अब्दुल्ला को विशेष निमंत्रण दिया गया है, महबूबा जी को भी निमंत्रण दिया गया है। और हमें गुलाम नबी आजाद जी को निमंत्रण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी के सारे नेता वापस घर लौट आए हैं। सब उनका पार्टी जो है, ऐसे तो उनका पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, फिर भी जो कोई नेता उनके साथ गए थे कांग्रेस से, दो महीने के लिए छुट्टी लेकर गए थे, वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और 2-3 दिन में आप देखते जाएंगे, और जो लोग बाकी पड़े हुए हैं आज़ाद साहब के साथ, वो भी वापस कांग्रेस लौट आएंगे। तो उनको निमंत्रण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।